जम्बू द्वीप तथा उसके विभिन्न वर्षों सहित भारत वर्ष का वर्णन। मुनियों ने कहा, अहो, आपने समस्त भरतवंशी राजाओं का यह बहुत बड़ा इतिहास कह सुनाया। अब हम समस्त भूमंडल का वर्णन सुनना चाहते हैं, जितने समुद्र, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन, नदियां तथा पवित्र देवताओं के स्थान हैं, समस्त भूतल का मान जितना बड़ा है, जिसके आधार पर यह टिका हुआ है तथा जो इसका उपादान कारण है, वह सब यथार्थ रूप से बतलाइए। लोमहर्षण जी बोले, मुनिवरों सुनो, मैं इस भूमंडल का वृत्तांत संक्षेप में सुनाता हूँ। जम्बू, प्लक्ष, शालमल, कुश, क्रौंच, शाक तथा पुष्कर ये सात द्वीप हैं, जो क्रमशः लवण, इक्षुरस, सुरा, घृत, दध, दुग्ध तथा जलरूप सात समुद्रों से घिरे हुए हैं। इन सबके बीच में जम्बू द्वीप की स्थित है। उसके मध्य भाग में स्वर्ण में मेरु पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। वह पृथ्वी के भीतर 16,000 योजन तक चला गया है तथा उसके शिखर की चौड़ाई 32,000 योजन है। उसके मूल का विस्तार 16,000 योजन है। वह पर्वत पृथ्वी रूपी कमल की कर्णिका के रूप में स्थित है। उसके दक्षिण में हिमवान, हेमकूट और निषद पर्वत है तथा उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगवान गिरी है। मध्य के दो पर्वत 1,00,000 योजन लंबे है। शेष पर्वत क्रमशः 10,000 योजन छोटे होते गए हैं। उन सब की ऊंचाई और चौड़ाई 2,000 योजन है। मेरु के दक्षिण में भारत वर्ष है, उससे उत्तर किम पुरुष वर्ष तथा उससे भी उत्तर हरिवर्ष है। इसी प्रकार मेरु के उत्तर भाग में सबके अंत में रम्यक वर्ष, उससे दक्षिण हिरण्यमय वर्ष तथा उससे भी दक्षिण उत्तर कुरु है। इन छह वर्षों के बीच में इलावृत वर्ष है, जिसके मध्य भाग में सुवर्ण में ऊंचा मेरु पर्वत खड़ा है। यह वर्ष मेरु के चारों ओर 9,000 योजन तक फैला हुआ है। उसमें मेरु से पूर्व मंदराचल, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विपुल तथा उत्तर में सुपार्श पर्वत की स्थिति है। इन चारों पर्वतों पर क्रमशः कदंब, जम्बू, पीपल और वट ये चार वृक्ष हैं, जो 1,100 योजन विस्तार के हैं। ये वृक्ष उन पर्वतों की ध्वजा के रूप में सुशोभित है। वह जम्बू वृक्ष ही है इस द्वीप के जम्बू द्वीप नाम पड़ने का कारण। उसके फल विशाल गजराज के बराबर होते हैं। वह गंधमादन पर्वत पर सब ओर गिरकर फूट जाते हैं। उनके रस से वहाँ जम्बू नाम की नदी बहती है। वहाँ के निवासी उसी नदी का जल पीते हैं। उसके पीने से लोगों के शरीर और मन स्वस्थ रहते हैं। उन्हें खेद नहीं होता, उनके शरीर में दुर्गंध नहीं होती तथा उनकी इंद्रियां कभी क्षीण नहीं होती। जम्बू के रस को पाकर उस नदी के तट की मिट्टी जाम्बू नद नामक सुवर्ण के रूप में परिणित हो जाती है, जो सिद्धों के आभूषण के काम आती है। मेरु से पूर्व भद्राक्ष और पश्चिम में केतुमाल वर्ष है। इन दोनों के बीच में इलावृत वर्ष है। मेरु के पूर्व में चैत्ररथ, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में वैवराज तथा उत्तर में नंदनवन है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न दिशाओं में अरुणोद, महाभ्रद, अस्तोद तथा मानस ये चार सरोवर हैं, जो सदा देवताओं के उपभोग में आते हैं। शांतवान, चक्रकुंज, कुररी, माल्यवान तथा वैकंक आदि पर्वत मेरु के पूर्व भाग में केसरचल के रूप में स्थित हैं। त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रुचक तथा निषद आदि दक्षिण भाग के केसर पर्वत हैं। शिखवास, वैदूर्य, कपिल, गंधमादन और जारुध आदि पश्चिम भाग के केसराचल हैं। शंखकूट, ऋषभ, हंस, नाग तथा कालंजर आदि अन्य पर्वत उत्तर भाग के केसराचल हैं। मेरुगिरि के ऊपर 14,000 योजन के विस्तार वाली एक विशाल पुरी है, जो ब्रह्मा जी की सभा कहलाती है। उसमें सब और आठों दिशाओं और विदिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों के विख्यात नगर हैं। भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर चंद्रमंडल को आप्लावित करने वाली गंगा ब्रह्मपुरी के चारों ओर गिरती है। वहां गिरकर वे चारों भागों में बट जाती है। उस समय उनके क्रमशः सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम होते हैं। पूर्व और सीता एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर होती हुई पूर्ववर्ती भद्राक्ष के मार्ग से समुद्र में जा मिलती है। चक्षु की धारा पश्चिम के संपूर्ण पर्वतों को लांघ कर केतुमाल वर्ष में आती है और समुद्र में मिल जाती है। इस प्रकार भद्रा उत्तर गिरी तथा उत्तर कुरु को लांघ कर उत्तर समुद्र में मिलती है। माल्यवान और गंधमादन पर्वत नीलगिरी से लेकर निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। उन दोनों के मध्य भाग में मेरु कर्णिका के आकार में स्थित है। भारत
केतुमाल, भद्राश्व तथा कुरु ये द्वीप लोक रूपी कमल के पत्र हैं। जठर और देवकूट ये दो मर्यादा पर्वत हैं। ये नील से निषद पर्वत तक उत्तर दक्षिण में फैले हुए हैं। ये दोनों मेरु के पश्चिम भाग में पूर्ववत स्थित हैं। त्रिशंग और जारुद ये उत्तर दिशा के वर्ष पर्वत हैं, जो पूर्व से पश्चिम और समुद्र के भीतर तक चले गए हैं। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने मर्यादा पर्वतों का वर्णन किया, जो मेरु के चारों ओर दो दो करके स्थित हैं। मेरु पर्वत की सब ओर जो केसर पर्वत बतलाए गए हैं, उनकी गुफाएं बड़ी मनोहर हैं, जिनमें सिद्ध और चारण निवास करते हैं। वहां सुरम में वन और नगर हैं। लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि, सूर्य तथा इंद्र आदि देवताओं के बड़े बड़े मंदिर हैं, जो किन्नरों से सेवित हैं। उन पर्वतों की रमणीय गुफाओं में गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य और दानव दिन रात विहार किया करते हैं। वे पर्वत इस पृथ्वी के स्वर्ग माने गए हैं। वहां धर्मात्माओं का निवास है। पापी मनुष्य सैकड़ों जन्म धारण करने पर भी वहां नहीं जा सकते। भद्राक्ष वर्ष में भगवान विष्णु है ग्रीव रूप से विराजमान है। केतुमाल में वाराह, भारत वर्ष में कच्छप तथा उत्तर कुरूप में मत्स्य रूप धारण करके रहते हैं। सर्वेश्वर भगवान श्री हरि सर्वस्वरूप हैं तथा विश्व रूप में वे सर्वत्र सुशोभित होते हैं। अखिल जगत स्वरूप भगवान विष्णु सबके आधारभूत हैं। किम पुरुष आदि जो आठ वर्ष हैं, उनमें शोक, आयास, उद्वेग तथा शुधा का भय आदि दोष नहीं है। वहां की प्रजा सब प्रकार से स्वस्थ, निर्भय तथा सब प्रकार के दुखों से रहित है। उन सब की स्थिर आयु 10-12 हजार वर्षों तक की होती है। इन स्थानों में पृथ्वी के शुधा, पिपासा आदि अन्य दोष नहीं प्रकट होते। इन सभी वर्षों में 7-7 कुल पर्वत हैं, जिनसे सैकड़ों नदियां प्रकट हुई हैं। समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण का जो देश है, उसका नाम भारत वर्ष है। उसी में राजा भरत की संतान तथा प्रजा रहती है। उसका विस्तार 9000 योजन है। भारत वर्ष कर्म भूमि है। वहां इच्छा अनुसार साधन करने वालों को स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्त होते हैं। भारत में महेंद्र, मलय, सहय, शुक्तिमान, ऋक्ष, विंध और पारयात्र ये 7 कुल पर्वत हैं। यहाँ सकाम साधन से स्वर्ग प्राप्त होता है, निष्काम साधन से मोक्ष मिलता है तथा यहाँ के लोग पाप करने पर त्रियोग्नि और नरकों में भी पड़ते हैं। भारत के सिवा अन्यत्र मनुष्यों के लिए कर्म भूमि नहीं है। इस भारत वर्ष के 9 भेद है: इंद्रद्वीप, कसेतुमान, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य द्वीप, गंधर्व द्वीप, वारण द्वीप तथा समुद्र से घिरा हुआ यह नवा द्वीप है भारत। यह नवम द्वीप दक्षिण से उत्तर तक 1000 योजन लंबा है। इसके अंदर पूर्व दिशा में किरात तथा पश्चिम दिशा में यौवन रहते हैं। मध्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जात के लोग रहते हैं, जिनकी क्रमशः यज्ञ, युद्ध, वाणिज्य तथा सेवा ये 4 वृत्तियां हैं। शतद्रु और चंद्रभागा आदि नदियां हिमालय की शाखाओं से निकली हैं। वेद स्मृति आदि सरिताओं का उद्गम पर्यात्र पर्वत है। नर्मदा और सुरमा आदि नदियां विंध पर्वत से प्रकट हुई हैं। तापी, पयोषणी, निर्विंध्या तथा कावेरी आदि सरिताएं ऋक्ष की शाखा से निकली हैं। इनका नाम श्रवण करने मात्र से ये सब पापों को हर लेती हैं। गोदावरी, भीमरथी तथा कृष्णवेणी आदि पाप नाशनी नदियां सह पर्वत की संतानें हैं। कृतमाला, ताम्रपर्णी आदि का उद्गम स्थान मलय पर्वत है। त्रिशांत, ऋषकुल्या आदि नदियां महेंद्र पर्वत से प्रकट हुई है। ऋषकुल्या और कुमारा आदि नदियां शुक्तिमान के शाखा पर्वतों से निकली हैं। इन नदियों की शाखा भूत सहस्त्रों उपनदियां भी हैं। इनके मध्य में कुरु, पांचाल, मध्य प्रदेश, पूर्व देश, कामरूप, पौंड्र, कलिंग, मगध, दक्षिण के प्रदेश, अपरांत, सौराष्ट्र, शूद्र, आभीर, अर्बुद, मरु, मालवा, पारयात्र, सौवीर, सिंध, शाल्व, शाकल्य, मद्र, अम्भष्ट तथा पारसीक आदि प्रदेश और वहां के निवासी रहते हैं। वे उपर्युक्त नदियों के जल पीते तथा संभाव से रहते हैं। उक्त प्रदेशों के लोग बड़े सौभाग्यशाली और हृष्ट पृष्ट है। उन सबका निवास भारत वर्ष में ही है। महामुनो, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये 4 युग इस भारत वर्ष में ही होते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं होते। यही पारलौकिक लाभ के लिए यत तपस्या करते, यज्ञ करता अग्नि में आहुत डालते तथा दाता आदर पूर्वक दान देते हैं।
जम्बू द्वीप में मनुष्य सदा अनेक यज्ञों द्वारा यज्ञ में यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का यजन करते हैं। अन्य द्वीपों में दूसरे प्रकार की उपासनाएं हैं। महामुनो, जम्बू द्वीप में ही भारतवर्ष सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि यह कर्म भूमि है और अन्य देश भोग भूमि है। यहाँ लाखों जन्म धारण करने के बाद बहुत बड़े पुण्य के संचय से जीव कभी मनुष्य जन्म पाता है। देवता यह गीत गाते हैं कि जो जीव स्वर्ग और मोक्ष के हेतु भूत भारतवर्ष के भूभाग में बारंबार मनुष्य रूप में उत्पन्न होते हैं, वे फलेच्छा से रहित कर्म का अनुष्ठान करके उन्हें परमात्मा स्वरूप श्री विष्णु को अर्पण कर देते हैं। वह धन्य है जो इस कर्म भूमि में उत्पन्न हो सप्त कर्मों द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करके भगवान अनंत में लीन होते हैं। उनका जीवन धन्य है। हमें पता नहीं इस स्वर्ग लोक की प्राप्ति करने वाले पुण्य लोक के क्षीण होने पर हम फिर कहां देह धारण करेंगे। वह मनुष्य जो भारत वर्ष में जन्म लेकर संपूर्ण इंद्रियों से उत्पन्न धन्य है। विप्रवरों, यह 9 वर्षों से युक्त जम्बू द्वीप का वर्णन किया गया है। उसका विस्तार 1,00,000 योजन है, तथापि यहाँ संक्षेप से ही बताया गया है। जम्बू द्वीप को गोलाकार में चारों ओर से घेर कर खारे पानी का समुद्र स्थित है। उसका विस्तार भी 1,00,000 योजन है।